सरोज जी, आपका स्क्रीन ग्राफिया में बहुत सारा स्वागत है। और हमने अभी इसके गुलाबो सीताबो के प्रोमो देखे, इतने हैपनिंग और इतने इंटरेस्टिंग है, मतलब मेरे के करियर में शायद किसी ने उनको इतना अजीब और गजब ढंग में नहीं दिखाया होगा। तो कुछ कहानी के बारे में बताएं कि कैसे डिसाइड किया आपने कहानी? कहानी कैसे डिसाइड करी? कहानी देखिए, कहानी ऐसे स्पेसिफिकली सोचने नहीं बैठते। क्या होता है कि बातें कर रहे हैं, अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहे हैं, अपने माहौल के बारे में बात कर रहे हैं, समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां से क्या होता है कि अपने आप ही उन ख्यालों के साथ एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात निकलती आती है और मिर्जा जैसा इंसान आपके ख्यालों में जन्म ले लेता है कि, और वो एक किसी एक स्पेसिफिक जगह पे बेस्ड नहीं है मिर्जा का किरदार। मिर्जा जैसे कई लोग हैं, एक समाज की परछाई है मिर्जा, और उसके माहौल में क्या होता है, उसकी जिंदगी की जो कमियां हैं, उसकी जिंदगी की जो जरूरतें हैं, उसकी जिंदगी की अच्छाइयां, बुराइयां, बेवकूफियां, जो भी कहिए, वो सब मिलजुल जब वो आपके सामने ना एक कहानी का रूप खुद ब खुद लेने लगता है। अगर आपने जिंदगी को करीब से जिया हो तो आपको कई सारे ऐसे वो मिल जाएंगे अपने 20 साल पहले, 30 साल पहले की जिंदगी के, कि आपको लगेगा हाँ ऐसा सब हुआ था, इनके साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ सब ऐसा हुआ था। वो करते करते उद्देश्य समझ में आने लग जाता है कहानी का, पर्पस की क्या कहना चाहते हैं, और फिर मतलब वो लिखते लिखते किरदारों को समझते समझते बढ़िया सी कहानी जन्म ले लेती है। तो ये गुलाबों सितारों के किरदार आपको कहाँ मिले? नहीं देखिए, गुलाबों सितारों के किरदार हैं मिर्जा, बाकी लोग भी हैं जिनको आप देखेंगे फिल्म में। जैसे मैंने कहा कि कोई वो एक अकेला व्यक्ति विशेष नहीं है, वो समाज के कई सारे लोग हैं, पूरे समाज का एक तरीके के लोग हैं समाज में, उनका मिश्रण है वो मिर्जा। हाँ ठीक है, फिल्म में तो एक कैरेक्टर है मिर्जा, लेकिन वो कई सारे लोगों का, जैसे कहते हैं ना, एक रिप्रेजेंटेटिव है, कई सारे दिमागों का रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं एक जगह मुझे बैठा थोड़ी मिला मिर्जा। चुनिया, मतलब आपकी कहानी बहुत ही अलग होती है, तो जैसे आपने कहा कि उसमें एक वास्तविकता होती है और थोड़ा फिक्शन का टच देते, तो ये जो वास्तविकता और फिक्शन का एक जो मिश्रण है, कि किस तरह से आप डेवलप कर पाती है एज एन राइटर? देखिए वास्तविकता मैं तो नहीं है, वास्तविकता क्या है, जिंदगी की जद्दोजहद जो है, लालसाएं हैं हमारी, हमारी उम्मीदें हैं, हमारी मुश्किलें हैं, हम लोग जी रहे हैं, रोज में जी रहे हैं, लेकिन क्या होता है उस जिंदगी में भी एक उड़ान भरने का जो मौका देती है ना राइटिंग, वो जो उड़ान है उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ अपनी राइटिंग में, कि निकलता या जन्म तो लेता है वो जिंदगी की वास्तविकता से, लेकिन क्या होता है हर चीज उतनी नहीं होती जितनी कि आपके साथ घटित हो रही है, उसके पीछे कई चीजें छिपी होती हैं, कि अभी क्यों हुआ, इस समय क्यों हुआ, इन्हीं लोगों के द्वारा क्यों हुआ, क्या कुछ और तरीके से हो सकता था, ये सब सोच समझ जो है वो आपकी वास्तविकता के वो उड़ान के उसमें आती है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उस सब को लिखूं, जन वास्तविकता में है लेकिन जो कहानी है वो उसकी उड़ान से निकल जाती है। क्योंकि बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि राइटर को एक राइटिंग ब्लॉक आ जाता है, तो एज ए राइटर हाउ डू यू डील विद इट? कुछ नहीं, मतलब आज अब नहीं लिखा जा रहा तो क्या कर सकते हैं, मतलब अब नहीं लिख पा रहे तो ऐसा कोई अलग चीज नहीं करती हूँ मैं, अभी वही करती हूँ, अपने बाकी जो काम है उनमें बिजी हो जाती हूँ, वॉक के लिए चले गए, 10 लोगों से मिले, कुछ गाने सुन लिए, जिससे कि क्या होता है कि एक ब्रेन को एक फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाती है ना। आप क्या होता है, आप लिखते लिखते एक ही थॉट पे आप सोचे जा रहे हैं, आप बहुत प्रेशराइज कर देते हैं अपने आप को उस चीज पे, तो क्या होता है जरूरी है उस प्रेशर को हटा देना। वो प्रेशर हटाने के लिए अगर आप प्रेशर रखेंगे तो काम नहीं होगा, फटेगा आपका सर। तो अपने आप को थोड़ा आसान करने के लिए अपने माहौल को, अपनी सोच को, आप 50 चीजें करने लग जाते हैं, और आपने देखा होगा मैं 2 साल में एक बार लिखती हूँ, तो मैं बस नहीं लेके धीरे धीरे आराम से मजे ले लेके लिखती हूँ, क्योंकि
ओके जी, हालांकि आपका पहला इंटरव्यू स्क्रीन ग्राफिया के साथ, तो कुछ अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री की एक एंट्री के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? फिल्म इंडस्ट्री में मेरी एंट्री बहुत ही अनप्लान तरीके से हुई। मुझसे सिर्फ शिवबाई फिल्म के डायलॉग्स लिखने के लिए कहा शिवजीत सरकार जी ने, और रंजिल डिसिल्वा ने उसका स्क्रीन पे लिखा था, और तब मैं एडवर्टाइजिंग में थी, एड्स देखती थी और इन लोगों के साथ एड्स बनाती थी, शिवजीत जी मेरे एड्स डायरेक्ट करते थे। तो उन्होंने जो मेरी भाषा की पकड़ थी और जो मेरे एड में जिस तरह की सोच थी वो सब को देखते हुए उन्हें लगा कि शायद मैं डायलॉग लिख पाऊँ, तो उन्होंने मुझे वो ऑफर दिया। और एक बार जब वो मैंने काम कर लिया, मतलब 30 सेकंड का एड वर्सेस 2 घंटे की फिल्म, जब आप वो चख लेते हैं उसका जो मजा है, तो वो फिर मुझसे रहा नहीं गया। फिर मुझे लगा मुझे और सोचना चाहिए। कभी नहीं सोचा था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मतलब ऐसे तो ख्याल कभी आए ही नहीं थे। जब ये लगा कि ये काम तो हम कर सकते हैं, जब एक बार शिवाय के डायलॉग लिख लिए तो फिर लगा कि कोशिश करी जाए। तो फिर विकी डोनर निकली, फिर पीकू निकली, फिर अक्टूबर निकली और गुलाब सतारे में। पूरी तरह से सुजीत सरकार जी और रंजल डिसिल्वा को ही जाता है। उन दोनों ने अगर मुझसे नहीं कहा होता तो शायद नहीं होता। ओके जी, मतलब आपका जो एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड है, आपको लगता है एक आपकी जो लैंग्वेज की पकड़, जैसे अभी आपने कहा, साथ में एक एडवर्टाइजिंग में जो काम करता है, मे बी अ क्रिएटिव राइटर, मे बी आर्ट डायरेक्टर, उनको एक विजन होता है एक सीन के बाद में क्या आएगा, क्या फॉलो होगा उसको, तो ये आपका जो विजन आपको यहाँ राइटिंग में काफी हद तक हेल्पफुल रहा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मैं तो कहूंगी कि मतलब लाइफ टीचर जो वन थिंग, और कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग में रहने से बिल्कुल सही बात बोली कि एक महिला अपने घर का बजट चलाने के लिए अगर 250 ग्राम रेड लेबल चाय खरीदती है तो क्यों खरीदती है, वो ताजमहल चाय क्यों नहीं खरीद रही है। एडवर्टाइजिंग में आपसे ये थोड़ा पूछे जाते हैं, पूछे मतलब एडवर्टाइजिंग ऐसा नहीं कि एक जना पूछ रहा है, मतलब जब आप एड बना रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं, तो रेड लेबल चाय को खरीदने वाली जो महिला है उसके घर में बाकी चीजें कैसी आती है, वो किस तरह की कपड़े पहनती है, वो किस तरह अपना बजट संभालती है, वो कप और सॉसर में चाय पीती है कि मग में चाय पीती है। आप इतनी बारीकी से सोचते हैं हर चीज, इतनी बारीकी से सीन नहीं लिखना तो बहुत बाकी बात है, आज लिखना तो बाकी बात है। पहले तो समझ कि ये इंसान ये फला फला साबुन क्यों इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा साबुन क्यों नहीं खरीद रहा है, क्योंकि उसके लिए शायद 150 रुपए एक्स्ट्रा दे पाना भी बहुत मुश्किल है। जब आप ऐसे लोगों को आप मिलते हैं ना जिनके लिए उनके बजट में 150 रुपए देना एक्स्ट्रा उनके बजट के बाहर चला जाता है, क्योंकि अगर महीने में वो 2 साबुन या 3 साबुन यूज कर रहा है, वो सोचेगा मैं महीने के 6-8 रुपए एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ। आप ऐसे जब लोगों से मिलते हैं ना एडवर्टाइजिंग के द्वारा, उन रिसर्चेज में जब आप जाते हैं, कभी आप झांसी गए, कभी रीवा गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, आपको सच्चाई पता चल जाती है हिंदुस्तान की और लोगों की और उनकी आदतों की। उनके घरों में जाते हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीना, उनसे बातें करना, बहुत कुछ सिखाया मुझे एडवर्टाइजिंग में। जो ये मतलब आपका यहाँ कोई गॉडफादर ऐसे नहीं है, तो आप जो अभी न्यू कमर है जिनको राइटिंग में कुछ करना है, राइटिंग स्किल अपना कहीं अप्लाई करना है, मे बी वेब सीरीज, मे बी टीवी और मे बी फिल्म, तो उनके लिए क्या कुछ एक सलाह देना चाहेंगे आप एक्सपीरियंस के दौरान? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी सच्चाई से काम करते रहिए, बस मेहनत करते रहिए, लिखते रहिए, अच्छे दिन आते हैं लगता है कि आप लिख पाएंगे, कई दिन ऐसे आते हैं लगता है आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन डटे रहिए। और सबसे बड़ी बात है एक राइटर के लिए, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं लिखता है, उसकी सोच उसकी अपनी सोच है, तो उसकी सोच जो है उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर आप छल कपट वाले इंसान हैं तो मत लिखिए, कुछ और कर लीजिए जिंदगी। लिखने में तो सच्चाई से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत नहीं। सही कहा आपने जूही। आपकी जो फिल्म थी, मतलब पहली फिल्म विकी डोनर, आपकी कहानी ने तो सभी को मतलब इतना सरप्राइज कर दिया कि ओहो इस विषय पर भी कहानी बन सकती है। बाद में पीकू बनाई, वो भी अलग थलग, अक्टूबर एक अलग थलग, अभी गुलाबो सीताबो। तो ये जो आपके इंस्पिरेशन आपकी क्या है, क्या मतलब आप
कई कैरेक्टर आपको समाज में चलते फिरते घूमते दिखते हैं, या आप कहीं बैठे आपको लगता है नहीं ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो ये जो प्रोसेस का एक जो मतलब कहानी लिखने का जो कीड़ा होता है, जो वर्म होता है, ये आपको कहाँ से मिलता है? ये देखिए क्या होता है, कुछ तो आप अपने घर परिवार को श्रेय दे सकते हैं, जहाँ कई घर ऐसे होते हैं ना जहाँ किस्से कहानियां बहुत मायने रखते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, कभी आपके चाचा हो या आपके फादर हो या आपके ग्रैंडफादर हो या आपकी दादी हो, मतलब बहुत किस्से कहानियों में ही वक्त बीतता है। मेरा परिवार वैसा था, मेरी जो परवरिश थी वो ऐसे परिवार में थी जहाँ पे हम लोग खूब बातें करते थे और खूब एक दूसरे से कहीं किसी ने कुछ पढ़ा उसको सुनाया, कहीं किसी की कोई बात थी उसको उसका ऐसे बात करेंगे जैसे अभी खुद ही लिख के आ रहे हैं, मतलब एक 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 साहित्यिक माहौल होता है ना घर में, वो था। तो हालांकि किताबों में कहानियों में जो किरदार हैं वो सच्चे नहीं है, वो काल्पनिक हैं, लेकिन जन तो आपकी सच्चाई से ही लेते हैं। गरीबी इमेजिनरी नहीं है, गरीबी एक रियलिटी है। मिर्जा या बाके या इस परिवार में जो भी कुछ होगा, इस संसद में जो होगा, या पीकू में पिता और बेटी का रिश्ता कहानी के रूप में काल्पनिक है, पर है तो रियलिटी ही है ना। तो अपने आप को मैं खाली इतना करती हूँ कि कभी अपनी निजी जिंदगी से और कभी अपनी निजी जिंदगी को बेस बना के लिखते हैं, और कभी भी कोई कैरेक्टर एक अपने में कंप्लीट कैरेक्टर नहीं होता, वो कई सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस का मिला जुला रूप होता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो आप इस एक काल्पनिक व्यक्ति के द्वारा कह पाते हैं। क्या भाष्वर का ये कहना कि शादी का या मैरिज का एक पर्पस होना चाहिए, बात किसी व्यक्ति ने कहीं नहीं कही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाष्कर जैसा व्यक्ति ये बात कह सकता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, ये सोच सकता है, उसने अच्छी किताबें पढ़ी हैं। तो क्या होता है कि कई बार आपके अंदर ही आप अपने आप को इतना कुरेदते हैं अपने विचार को, अपनी सोच को, अपनी जिंदगी की समझ को या ना समझ को, हर चीज को। कई बार आप लिखते हैं क्योंकि आप कोई चीज समझ आपको लिख देना चाहते हैं, कई बार आप लिखते हैं कि आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, आप समझ नहीं पाए और आप उस लिखते लिखते ना आपको वो बात समझ में आ जाती है कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो कई सारे तरीके होते हैं, हर दिन एक नया तरीका होता है, हर दिन एक नया वो होता है लिखने का ढंग, कोई एक अकेला ढंग नहीं है मेरा लिखने का। तो गुलाबों सिताबों के बाद में आप क्या लिख रही हैं? अभी तो बस ऐसी लॉकडाउन खत्म हो, यही एक सबसे बड़ा विचार है मेरे अंदर, कब खत्म होगा। और लिखने के लिए कुछ कुछ है, लिख रहे हैं चल रहा है, लेकिन सच तो ये है कि अभी ये जो समय है ये अपनी सोच को, समझ को, लाइफ को तराशने का समय है। कोशिश मेरी इस समय पूरी यही है कि जो ये वक्त मिला है उसे अच्छे से बिताया जाए। किसी दिन लिखती हूँ, किसी दिन नहीं लिखती हूँ। फिलहाल कुछ सब्जेक्ट ऐसे जहन में नहीं है आपके? नहीं। ओके जूही जी, आपको बहुत सारी बधाई आपके आने वाले वेंचर के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू स्क्रीनग्राफिया। नहीं, थैंक यू सो मच।